साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी ड्वेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था, जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज द बार ए कपल बट दिस इज अ गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली एम एंड किड्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एंजॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years ओल्ड क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड इन स्ट्रेंट अडल्ट मेल ओप्स दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ओप लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इन वोलिस विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देर आल द एनिमल्स आर गुड ओप अंडर द ओवर सीज टू फिल्म ओप सम बॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ओप डैन The CGI was pretty good, I felt, but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good. There is a couple silly scenes that appear out of place in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict. And I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatrophysis. And highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good NQ of the moon so good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octon and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little imagine वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टेंट फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई अडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू द माइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउट लैंड इसकी इमिनिगेशन वेर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up full treatment of the good the set down of this and love classical and good very specially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caine of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I
आई ग्रेट ऑफ द गुड होम रिस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अनटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचरी थ्रिलियर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट इलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिक्टेबल फुल ऑफ गुड सम थिंग्स मैक ऑफ द गुड स्मॉल एनिमल्स एंड सपोर्टिंग टू गुड स्मॉल देर इज स्पाइडर सबमरीन इवन थॉट ऑफ द लार्ज एंड गुड अटलांटिक एनिमल दिस इज द इनक्रेडिबल मेन्यू ऑफ द डिसिप्लिन एव अ गुड अमाउंट ऑफ होमर दिस मूवी टेक योर ब्रेक टेकिंग फॉर दिस मूवी। साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज़ बार ए कपल बट दिस इज गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली एम एंड किड्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एन्जॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years ओल्ड क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड स्ट्रेंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आइलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आइलैंड एंड एक्सप्लोर देर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डैन The CGI was pretty good, I felt, but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good. There is a couple silly scenes that appear out of place in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict and I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatrophysis. And highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octon and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth say is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little imagine वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई अडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदम आई स्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनिगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वॉट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज
विच इज गिव अपर फिलू ट्रेडमेंट ऑफ द गुड द सेट डाउन ऑफ दिस एंड लव क्लासिकल एंड गुड वेरी स्पेशली आई अपॉन रिव्यू ऑफ द गुड आई वॉच दिस मूवी एंड वैन आई रिलीज एंड बैक द फाउंड मॉडर्न रिसेंटली आई डिसाइड टू वॉच इट अगेन फॉर वन ऑफ द एनिमेशन बिटवीन माइकल कैन ऑफ द करैक्टर द हेलीकॉप्टर प्लॉट वाइज गुड थिंक अबाउट एंड गुड आई एब्सोल्युटली लव दिस फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी आई ग्रेट ऑफ द गुड होम रिस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अंटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचर थ्रिलर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट इलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिटेबल फुल ऑफ गुड सम थिंग्स मैक ऑफ द गुड स्मॉल एनिमल्स एंड सपोर्टिंग टू गुड स्मॉल देर इज स्पाइडर सबमरीन इवन थॉट ऑफ द लार्ज एंड गुड अटलांटिक एनिमल दिस इज द इनक्रेडिबल मूवी ऑफ द डिसिप्लिन एव अ गुड अमाउंट ऑफ होमर दिस मूवी टेक योर ब्रेक टेकिंग फॉर दिस मूवी। साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था, जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ I love most things the rock it is the bar a couple but this is a good film it you keep your expression low it obviously am and kids pre-teens but there is enough there that adults should enjoy it was well by mom who is 60 years old cute like to watch this film when the grandkids are around and good in स्टैंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्टैंड फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आइलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आइलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डेंजर द CGI वॉज प्रीति गुड आई फेल्ट बट देर वॉज ए फ्यू सीन्स ऑफ स्लो मोशन एंड ट्राई टू गुड सीम ए बुट ऑफ पुटिंग द गुड देर इज ए कपल सीली सीन्स दैट अपियर आउट ऑफ पैलेस इन द फिल्म दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन द 3D सच एंड द रॉक बाउंसिंग बैरियर ऑफ द गुड फाइनल वर्डक्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इन द आर्ग्यूमेंट एंड गुड कटलेस लाइक टू गुड कस्ट्यूम एंड ऑक्टोपस एंड स्क्वाड अक्यूट्रफिसल and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octan and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little image वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदमाइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड की इमिनीगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द
गुड परफॉर्मेंस, दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ, माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गुड गिव इन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज विच इज गिव यू अप फ्यू ट्रेडमेंट ऑफ द गुड द सेट डाउन ऑफ दिस एंड लव क्लासिकल एंड गुड वेरी स्पेशली आई अपॉन रिव्यू ऑफ द गुड आई वॉच दिस मूवी एंड वैन आई रिलीज एंड बैक द फाउंड मॉडर्न रिसेंटली आई डिसाइड टू वॉच इट अगेन फॉर वन ऑफ द एनिमेशन बिटवीन माइकल कैन ऑफ द करेक्टर द हेलीकॉप्टर प्लॉट वाइज गुड थिंक अबाउट एंड गुड आई एब्सोल्युटली लव दिस फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी आई ग्रेट ऑफ द गुड ह्यूमरस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अंटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचरी थ्रिलर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट इलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर्ट 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिटेबल फुल ऑफ गुड सम थिंग्स मैक ऑफ द गुड स्मॉल एनिमल्स एंड सपोर्टिंग टू गुड स्मॉल देर इज स्पाइडर सबमरीन इवन थॉट ऑफ द लार्ज एंड गुड अटलांटिक एनिमल दिस इज द इनक्रेडिबल मूवी ऑफ द डिसिप्लिन अब गुड अमाउंट ऑफ होमर दिस मूवी टेक योर ब्रेक टेकिंग फॉर दिस मूवी। साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ I love most things the rock it is the bar a couple but this is a good film it you keep your expression low it obviously am and kills preteens but there is enough there that adults should enjoy it was well by mom who is 60 years old cute like to watch this film when the grandkids are around and good in स्ट्रेंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आइलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रैंड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डैन द CGI वॉज प्रीति गुड आई फेल्ट बट देर वॉज ए फ्यू सीन्स ऑफ स्लो मोशन एंड ट्राई टू गुड सीम ए बुट ऑफ पुटिंग द गुड देर इज ए कपल सीली सीन्स दैट अपियर आउट ऑफ पैलेस इन द फिल्म दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन द 3D सच एंड द रॉक बाउंसिंग बैरियर ऑफ द गुड फाइनल वर्डक्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इन द आर्ग्यूमेंट एंड गुड कटलेस लाइक टू गुड कस्ट्यूम एंड ऑक्टोपस एंड स्क्वाड अक्यूट्रफिस and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government elevation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octon and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth say is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little image वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेविएशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेविएशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड
बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचर फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदम आई स्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनीगेशन वेर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वॉट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस फ्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up full treatment of the good the set down of this and love classical and good very especially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caen of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I great of the good humorous and tell a touching for this story of step and until the I really love this movie the adventure thriller and romance the script was brilliant Dwayne Johnson I would definitely and is the talk of the manager for January 3 I would started of the January 2 such a great hilarious movie will keep you and launching the art 3D moments of the good absolutely this film is so predictable full of good some things make of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good Atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of homework this movie take your breathtaking for this movie साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी ड्वेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज़ द बार ए कपल बट दिस इज अ गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली आई एम एंड किड्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एन्जॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years ओल्ड क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड स्ट्रेंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एन्जॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डैन The CGI was pretty good I felt but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good there is a couple silly scenes that appear out of palace in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict and I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatic fishes
एंड हाईली इंटेलिजेंट एंड कैपेबल अंडर दैट रिलेटिव सिंपलिसिटी मेक दैम ए गुड कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट इलोरेशन एंड गुड एन क्यू ऑफ द मोन सोव गुड गैस जैंड ऑफ द एग्जाम्पल वाइल आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड फॉर हुमन्स एलिफेंट ऑक्टन एंड क्रू ऑफ द गुड एंड और चेंजिंग टेररिस्ट एंड मच हायर ग्रेविटी द अर्थ से इज टिविन्स अर्थ ग्रेविटी मे नॉट सपोर्टेड मच कंप्लेक्स लाइफ ऑफ आल हुल इमेजिंग वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेविएशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट एक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेविएशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदम आई स्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउट लैंड इसकी इमिनिगेशन वेर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up full treatment of the good the set down of this and love classical and good very especially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caine of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie आई ग्रेट ऑफ द गुड होम रिस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अंटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचरी थ्रिलियर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट इलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिक्टेबल फुल ऑफ गुड some things make of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good Atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of humor this movie take your breathtaking for this movie साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज़ द बार ए कपल बट दिस इज अ गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली एम एंड किड्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एन्जॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years ओल्ड क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड स्ट्रेंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एन्जॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरी इज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डेंजर
टीजर्स द सीजीआई वाज प्रीति गुड आई फेल्ट बट देर वाज ए फ्यू सीन्स ऑफ स्लो मोशन एंड ट्राई टू गुड सीम एबुट ऑफ पुटिंग द गुड देर इज ए कपल सीली सीन्स दैट अपियर आउट ऑफ पैलेस इन द फिल्म दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन द 3D सच एंड द रॉक बाउंसिंग बैरियर ऑफ द गुड फाइनल वर्डिक्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इन द आर्ग्यूमेंट एंड गुड कटलेस लाइक टू गुड कस्ट्यूम एंड ऑक्टोपस एंड स्क्वाड अक्यूट्रफिसल्स एंड हाईली इंटेलिजेंट एंड कैपेबल एंटर दैट रिलेटिव सिंपलिसिटी मैक दैम ए गुड कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट इल्यूरेशन एंड गुड एन क्यू ऑफ द मोन सोव गुड गैस जाइंट्स ऑफ द एग्जाम्पल वाइल आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड फॉर हुमन्स एलिफेंट ऑक्टन एंड क्रू ऑफ द गुड एंड और चेंजिंग टेररिस्ट एंड मच हायर ग्रेविटी द अर्थ से इज टिविन्स अर्थ ग्रेविटी मे नॉट सपोर्टेड मच कंप्लेक्स लाइफ ऑफ आल हुल इमेजिंग वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेविएशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेविएशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोपो ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई अडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदै माइस्ट्री आई लैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसीडरेशन एन्जॉयबल डू आउट लैंड इसकी इमिनिगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी निड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give up full treatment of the good the set down of this and love classical and good very especially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caine of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie आई ग्रेट ऑफ द गुड होम रिस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अंटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचरी थ्रिलियर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट इलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिक्टेबल फुल ऑफ गुड some things make of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good Atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of humor this movie take your breathtaking for this movie साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था, जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ I love most things the rock it is the bar a couple but this is a good film it you keep your expression low it obviously am and kids pre-teens but there is enough there that adults should enjoy it was well by mom who is 60 years old cute like to watch this film when the grandkids are around and good in
स्टेंट अडल्ट मेल ओप्स दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ओप लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्टेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आइलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ओप अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ओप समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आइलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ओप डैन Avengers, the CGI was pretty good I felt but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good there is a couple silly scenes that appear out of palace in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict and I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatrophysical and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moon so good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octon and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little image वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टेंट फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई अडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदमाइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनीगेशन वेर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गुड गिव इन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस फ्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up to fill treatment of the good the set down of this and love classical and good very especially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caine of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I great of the good humorous and tell a touching for this story of step and until the I really love this movie the adventure thriller and romance the script was Blute Devane Johnson I would definitely and is the talk of the manager for January 3 I would started of the January 2 such a great hilarious movie will keep you and launching the art 3D moments of the good absolutely this film is so predictable full of good some things make of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good Atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of humor this movie take your breathtaking for this movie साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे
33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन, आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक, इट इज द बार ए कपल, बट दिस इज गुड फिल्म, इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो, इट ऑब्वियसली एम एंड किल्स प्री टींस, बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एंजॉय, इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 ईयर्स ओल्ड, क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड इन स्ट्रेंट अडल्ट मेल ओप्स दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ओप लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ओप अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ओप समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ओप डैन द CGI वॉज प्रीति गुड आई फेल्ट बट देर वॉज ए फ्यू सीन्स ऑफ स्लो मोशन एंड ट्राई टू गुड सीम ए बुट ऑफ पुटिंग द गुड देर इज ए कपल सीली सीन्स दैट अपियर आउट ऑफ पैलेस इन द फिल्म दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन द 3D सच एंड द रॉक बाउंसिंग बैरियर ऑफ द गुड फाइनल वर्डिक्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इन द आर्ग्यूमेंट एंड गुड कटलेस लाइक टू गुड कस्ट्यूम एंड ऑक्टोपस एंड स्क्वाड अक्यूट्रफिस and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octon and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little image वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेविएशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेविएशनल स्टेंट फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू द माइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू इजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडरेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनीगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वॉट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस फ्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up to the treatment of the good the set down of this and love classical and good very specially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caen of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I great of the good humorous and tell a touching for this story of step and until the I really love this movie the adventure thriller and romance the script was brilliant Dwayne Johnson I would definitely and is the talk of the manager for January 3 I would started of the January 2 such a great hilarious movie will keep you and launching the art 3D moments of the good absolutely this film is so predictable full of good some things make of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good Atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of humor this movie take your breathtaking for this movie
साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी ड्वेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था, जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज द बार ए कपल बट दिस इज गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली एम एंड किड्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एंजॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years ओल्ड क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड इन स्ट्रेंट अडल्ट मेल ओप्स दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ओप लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इन वोलिस विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देर आल द एनिमल्स आर गुड ओप अंडर द ओवर सीज टू फिल्म ओप सम बॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ओप डैन CGI was pretty good I felt but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good there is a couple silly scenes that appear out of palace in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict and I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatrophysical and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government elevation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octon and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little imagine वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू द माइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउट लैंड इसकी इमिनिगेशन वेर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up full treatment of the good the set down of this and love classical and good very specially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caine of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I
आई ग्रेट ऑफ द गुड होम रिस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अनटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचरी थ्रिलर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट हिलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिक्टेबल फुल ऑफ गुड सम थिंग्स मैक ऑफ द गुड स्मॉल एनिमल्स एंड सपोर्टिंग टू गुड स्मॉल देर इज स्पाइडर सबमरीन इवन थॉट ऑफ द लार्ज एंड गुड अटलांटिक एनिमल दिस इज द इनक्रेडिबल मेन्यू ऑफ द डिसिप्लिन अब अ गुड अमाउंट ऑफ होमर दिस मूवी टेक योर ब्रेक टेकिंग फॉर दिस मूवी। साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज़ द बार ए कपल बट दिस इज अ गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली एम एंड किड्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एन्जॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years ओल्ड क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड स्ट्रेंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आइलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आइलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डैन The CGI was pretty good, I felt, but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good. There is a couple silly scenes that appear out of palace in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict and I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatrophysis. And highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good NQ of the months of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octan and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth say is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little imagine वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई अडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदम आई स्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनिगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज
विच इज गिव अपन फिल्यू ट्रेडमेंट ऑफ द गुड द सेट डाउन ऑफ दिस एंड लव क्लासिकल एंड गुड वेरी स्पेशली आई अपॉन रिव्यू ऑफ द गुड आई वॉच दिस मूवी एंड वैन आई रिलीज एंड बैक द फाउंड मॉडर्न रिसेंटली आई डिसाइड टू वॉच इट अगेन फॉर वन ऑफ द एनिमेशन बिटवीन माइकल कैन ऑफ द करेक्टर द हेलीकॉप्टर प्लॉट वाइज गुड थिंक अबाउट एंड गुड आई एब्सोल्युटली लव दिस फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी आई ग्रेट ऑफ द गुड होम रिस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अंटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचर थ्रिलर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट इलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिटेबल फुल ऑफ गुड सम थिंग्स मैक ऑफ द गुड स्मॉल एनिमल्स एंड सपोर्टिंग टू गुड स्मॉल देर इज स्पाइडर सबमरीन इवन थॉट ऑफ द लार्ज एंड गुड अटलांटिक एनिमल दिस इज द इनक्रेडिबल मूवी ऑफ द डिसिप्लिन एव अ गुड अमाउंट ऑफ होमर दिस मूवी टेक योर ब्रेक टेकिंग फॉर दिस मूवी। साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था, जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ I love most things the rock it is the bar a couple but this is a good film it you keep your expression low it obviously am and kids pre-teens but there is enough there that adults should enjoy it was well by mom who is 60 years old cute like to watch this film when the grandkids are around and good in स्टैंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्टैंड फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आइलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रैंड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आइलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डेंज द सीजीआई वाज प्रीति गुड आई फेल्ट बट देर वाज ए फ्यू सीन्स ऑफ स्लो मोशन एंड ट्राई टू गुड सीम ए बुट ऑफ पुटिंग द गुड देर इज ए कपल सीली सीन्स दैट अपियर आउट ऑफ पैलेस इन द फिल्म दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन द 3D सच एंड द रॉक बाउंसिंग बैरियर ऑफ द गुड फाइनल वर्डिक्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इन द आर्ग्यूमेंट एंड गुड कटलेस लाइक टू गुड कस्ट्यूम एंड ऑक्टोपस एंड स्क्वाड अक्यूट्रफिसल and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octan and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little image वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदमाइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड की इमिनीगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द
गुड परफॉर्मेंस, दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ, माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गुड गिव इन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज विच इज गिव यू अप फ्यू ट्रेडमेंट ऑफ द गुड द सेट डाउन ऑफ दिस एंड लव क्लासिकल एंड गुड वेरी स्पेशली आई अपॉन रिव्यू ऑफ द गुड आई वॉच दिस मूवी एंड वैन आई रिलीज एंड बैक द फाउंड मॉडर्न रिसेंटली आई डिसाइड टू वॉच इट अगेन फॉर वन ऑफ द एनिमेशन बिटवीन माइकल कैन ऑफ द करेक्टर द हेलीकॉप्टर प्लॉट वाइज गुड थिंक अबाउट एंड गुड आई एब्सोल्युटली लव दिस फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी आई ग्रेट ऑफ द गुड ह्यूमरस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अंटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचरी थ्रिलर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट इलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर्ट 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिटेबल फुल ऑफ गुड सम थिंग्स मैक ऑफ द गुड स्मॉल एनिमल्स एंड सपोर्टिंग टू गुड स्मॉल देर इज स्पाइडर सबमरीन इवन थॉट ऑफ द लार्ज एंड गुड अटलांटिक एनिमल दिस इज द इनक्रेडिबल मूवी ऑफ द डिसिप्लिन अब गुड अमाउंट ऑफ होमर दिस मूवी टेक योर ब्रेक टेकिंग फॉर दिस मूवी। साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ I love most things the rock it is the bar a couple but this is a good film it you keep your expression low it obviously am and kills preteens but there is enough there that adults should enjoy it was well by mom who is 60 years old cute like to watch this film when the grandkids are around and good in स्टैंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्टैंड फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आइलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डैन द CGI वॉज प्रीति गुड आई फेल्ट बट देर वॉज ए फ्यू सीन्स ऑफ स्लो मोशन एंड ट्राई टू गुड सीम ए बुट ऑफ पुटिंग द गुड देर इज ए कपल सीली सीन्स दैट अपियर आउट ऑफ पैलेस इन द फिल्म दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन द 3D सच एंड द रॉक बाउंसिंग बैरियर ऑफ द गुड फाइनल वर्डक्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इन द आर्ग्यूमेंट एंड गुड कटलेस लाइक टू गुड कस्ट्यूम एंड ऑक्टोपस एंड स्क्वाड अक्यूट्रफिस and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octon and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little image वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड
बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदम आई स्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसीडरेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनीगेशन वेर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वॉट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस फ्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up to the treatment of the good the set down of this and love classical and good very specially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caan of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I great of the good humorous and tell a touching for this story of step and until the I really love this movie the adventure thriller and romance the script was brilliant Dwayne Johnson I would definitely and is the talk of the manager for January 3 I would started of the January 2 such a great hilarious movie will keep you and launching the art 3D moments of the good absolutely this film is so predictable full of good some things make of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good Atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of humor this movie take your breathtaking for this movie साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज़ द बार ए कपल बट दिस इज अ गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली एम एंड किड्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एन्जॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years ओल्ड क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड स्ट्रेंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एन्जॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डैन The CGI was pretty good I felt but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good there is a couple silly scenes that appear out of palace in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict and I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatic fishes
एंड हाईली इंटेलिजेंट एंड कैपेबल अंडर दैट रिलेटिव सिंपलिसिटी मेक दैम ए गुड कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट इलोरेशन एंड गुड एन क्यू ऑफ द मोन सोव गुड गैस जैंड ऑफ द एग्जाम्पल वाइल आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड फॉर हुमन्स एलिफेंट ऑक्टन एंड क्रू ऑफ द गुड एंड और चेंजिंग टेररिस्ट एंड मच हायर ग्रेविटी द अर्थ से इज टिविन्स अर्थ ग्रेविटी मे नॉट सपोर्टेड मच कंप्लेक्स लाइफ ऑफ आल हुल इमेजिंग वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेविएशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट एक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेविएशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदम आई स्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउट लैंड इसकी इमिनिगेशन वेर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वॉट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up full treatment of the good the set down of this and love classical and good very specially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caine of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I great of the good humorous and tell a touching for this story of step and until the I really love this movie the adventure thriller and romance the script was brilliant Dwayne Johnson I would definitely and is the talk of the manager for January 3 I would started of the January 2 such a great hilarious movie will keep you and launching the art 3D moments of the good absolutely this film is so predictable full of good some things make of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good Atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of humor this movie take your breathtaking for this movie साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी ड्वेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज़ द बार ए कपल बट दिस इज गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली एम एंड किड्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एन्जॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years ओल्ड क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड स्ट्रेंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एन्जॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डेंजर
टीजर्स द सीजीआई वाज प्रीति गुड आई फेल्ट बट देर वाज ए फ्यू सीन्स ऑफ स्लो मोशन एंड ट्राई टू गुड सीम एबुट ऑफ पुटिंग द गुड देर इज ए कपल सीली सीन्स दैट अपियर आउट ऑफ पैलेस इन द फिल्म दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन द 3D सच एंड द रॉक बाउंसिंग बैरियर ऑफ द गुड फाइनल वर्डिक्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इन द आर्ग्यूमेंट एंड गुड कटलेस लाइक टू गुड कस्ट्यूम एंड ऑक्टोपस एंड स्क्वाड अक्यूट्रफिसल्स एंड हाईली इंटेलिजेंट एंड कैपेबल एंटर दैट रिलेटिव सिंपलिसिटी मैक दैम ए गुड कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट इल्यूरेशन एंड गुड एन क्यू ऑफ द मोन सोव गुड गैस जाइंट्स ऑफ द एग्जाम्पल वाइल आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड फॉर हुमन्स एलिफेंट ऑक्टन एंड क्रू ऑफ द गुड एंड और चेंजिंग टेररिस्ट एंड मच हायर ग्रेविटी द अर्थ से इज टिविन्स अर्थ ग्रेविटी मे नॉट सपोर्टेड मच कंप्लेक्स लाइफ ऑफ आल हुल इमेजिंग वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेविएशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेविएशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोपो ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई अडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदै माइस्ट्री आई लैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसीडरेशन एन्जॉयबल डू आउट लैंड इसकी इमिनिगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी निड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give up full treatment of the good the set down of this and love classical and good very especially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caine of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie आई ग्रेट ऑफ द गुड होम रिस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अंटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचरी थ्रिलियर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट इलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिक्टेबल फुल ऑफ गुड some things mac of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of humor this movie take your breathtaking for this movie साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था, जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ I love most things the rock it is the bar a couple but this is a good film it you keep your expression low it obviously am and kids pre-teens but there is enough there that adults should enjoy it was well by mom who is 60 years old cute like to watch this film when the grandkids are around and good in
स्टैंट अडल्ट मेल ओप्स दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ओप लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्टैंड फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आइलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ओप अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ओप समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आइलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ओप डैन Avengers, the CGI was pretty good I felt but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good there is a couple silly scenes that appear out of place in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict and I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatrophysical and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octan and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little image वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टैंट फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई अडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदमाइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनिगेशन वेर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिव इन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस फ्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up to the treatment of the good the set down of this and love classical and good very especially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caine of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I great of the good humorous and tell a touching for this story of step and until the I really love this movie the adventure thriller and romance the script was Blute Devane Johnson I would definitely and is the talk of the manager for January 3 I would started of the January 2 such a great hilarious movie will keep you and launching the art 3D moments of the good absolutely this film is so predictable full of good some things make of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good Atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of humor this movie take your breathtaking for this movie साल 2012 में रिलीज़ हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था, जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे
33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन, आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक, इट इज द बार ए कपल, बट दिस इज गुड फिल्म, इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो, इट ऑब्वियसली एम एंड किड्स प्री टींस, बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एंजॉय, इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 ईयर्स ओल्ड, क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड इन स्ट्रेंट अडल्ट मेल ओप्स दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ओप लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ओप अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ओप समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ओप डैन द CGI वॉज प्रीति गुड आई फेल्ट बट देर वॉज ए फ्यू सीन्स ऑफ स्लो मोशन एंड ट्राई टू गुड सीम ए बुट ऑफ पुटिंग द गुड देर इज ए कपल सीली सीन्स दैट अपियर आउट ऑफ पैलेस इन द फिल्म दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन द 3D सच एंड द रॉक बाउंसिंग बैरियर ऑफ द गुड फाइनल वर्डिक्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इन द आर्ग्यूमेंट एंड गुड कटलेस लाइक टू गुड कस्ट्यूम एंड ऑक्टोपस एंड स्क्वाड अक्यूट्रफिस and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octon and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little image वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेविएशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेविएशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई अडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मद माइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनीगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वॉट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस फ्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up to the treatment of the good the set down of this and love classical and good very specially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caan of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I great of the good humorous and tell a touching for this story of step and until the I really love this movie the adventure thriller and romance the script was brilliant Dwayne Johnson I would definitely and is the talk of the manager for January 3 I would started of the January 2 such a great hilarious movie will keep you and launching the art 3D moments of the good absolutely this film is so predictable full of good some things make of the good small animals and supporting to good small there is a spider submarine even thought of the large and good Atlantic animal this is the incredible menu of the discipline have a good amount of humor this movie take your breathtaking for this movie
साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी ड्वेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था, जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज द बार ए कपल बट दिस इज गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली एम एंड किल्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एंजॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years old क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड इन स्ट्रेंट अडल्ट मेल ओप्स दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ओप लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देर ऑल द एनिमल्स आर गुड ओप अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ओप समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ओप डैन CGI was pretty good I felt but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good there is a couple silly scenes that appear out of palace in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict and I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatrophysical and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good NQ of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octan and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little imagine वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेविएशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेविएशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू द माइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनिगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वॉट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज which is give you up full treatment of the good the set down of this and love classical and good very specially I upon review of the good I watch this movie and when I release and back the found modern recently I decide to watch it again for one of the animation between Michael Caine of the character the helicopter plot wise good think about and good I absolutely love this film one of the best favorite movie I
आई ग्रेट ऑफ द गुड होम रिस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अनटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचर थ्रिलर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट हिलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिक्टेबल फुल ऑफ गुड सम थिंग्स मैक ऑफ द गुड स्मॉल एनिमल्स एंड सपोर्टिंग टू गुड स्मॉल देर इज स्पाइडर सबमरीन इवन थॉट ऑफ द लार्ज एंड गुड अटलांटिक एनिमल दिस इज द इनक्रेडिबल मेन्यू ऑफ द डिसिप्लिन अब अ गुड अमाउंट ऑफ होमर दिस मूवी टेक योर ब्रेक टेकिंग फॉर दिस मूवी। साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आईलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ माइन आई लव मोस्ट थिंग्स द रॉक इट इज़ द बार ए कपल बट दिस इज गुड फिल्म इट यू कीप योर एक्सप्रेशन लो इट ऑब्वियसली एम एंड किड्स प्री टींस बट देर इज एन अप देर दैट अडल्ट शुड एन्जॉय इट वॉज वेल बाई मोम हु इज 60 years ओल्ड क्यूट लाइक टू वॉच दिस फिल्म वैन द ग्रांड किड्स आर अराउंड एंड गुड स्ट्रेंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्ट्रेंट फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आईलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रांड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आईलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डैन The CGI was pretty good, I felt, but there was a few scenes of slow motion and tried to good seem a bit of putting the good. There is a couple silly scenes that appear out of palace in the film that are also playing on the 3D sets and the rock bouncing barrier of the good final verdict and I am going to put in the argument and good cutlass like to good costume and octopus and squid aquatrophysis and highly intelligent and capable and that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octon and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth also is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little imagine वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदै माइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड इसकी इमिनिगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गिव गुड गिविन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचरी द नॉलेज
विच इज गिव अपू ट्रेडमेंट ऑफ द गुड द सेट डाउन ऑफ दिस एंड लव क्लासिकल एंड गुड वेरी स्पेशली आई अपॉन रिव्यू ऑफ द गुड आई वॉच दिस मूवी एंड वैन आई रिलीज एंड बैक द फाउंड मॉडर्न रिसेंटली आई डिसाइड टू वॉच इट अगेन फॉर वन ऑफ द एनिमेशन बिटवीन माइकल कैन ऑफ द करैक्टर द हेलीकॉप्टर प्लॉट वाइज गुड थिंक अबाउट एंड गुड आई एब्सोल्युटली लव दिस फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी आई ग्रेट ऑफ द गुड होम रिस एंड टेल ए टचिंग फॉर दिस स्टोरी ऑफ स्टेप एंड अंटिल द आई रियली लव दिस मूवी द एडवेंचर थ्रिलर एंड रोमान द स्क्रिप्ट वॉज ब्लूट डेवेन जॉनसन आई वुल्ड डेफिनेटली एंड इज द टॉक ऑफ द मैनेजर फॉर जनरी 3 आई वुल्ड स्टार्टेड ऑफ द जनरी 2 सच ए ग्रेट इलोरिस मूवी विल कीप यू एंड लंचिंग द आर 3D मोमेंट्स ऑफ द गुड एब्सोल्युटली दिस फिल्म इज सो प्रेडिटेबल फुल ऑफ गुड सम थिंग्स मैक ऑफ द गुड स्मॉल एनिमल्स एंड सपोर्टिंग टू गुड स्मॉल देर इज स्पाइडर सबमरीन इवन थॉट ऑफ द लार्ज एंड गुड अटलांटिक एनिमल दिस इज द इनक्रेडिबल मूव्यू ऑफ द डिसिप्लिन एव अ गुड अमाउंट ऑफ होमर दिस मूवी टेक योर ब्रेक टेकिंग फॉर दिस मूवी। साल 2012 में रिलीज हुई जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी डेवेन जॉनसन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी था, जो साल 2012 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एडवेंचर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म है और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 33 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी को आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और इस मूवी की रिलीज डेट 3 फरवरी 2012 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर ब्रैड पेटन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। दिस इज गुलाटी प्लेसर फिल्म ऑफ I love most things the rock it is the bar a couple but this is a good film it you keep your expression low it obviously am and kids pre-teens but there is enough there that adults should enjoy it was well by mom who is 60 years old cute like to watch this film when the grandkids are around and good in स्टेंट अडल्ट मेल ऑफ दिस एंजॉय वैनिसा एंड गुड कलानी हु लुक्स ऑफ लाइक एंड सेक्सी डोरा द एक्सप्लोरर द स्टोरीज प्रीति स्टैंड फॉरवर्ड इट इनवॉल्व्स विजिटिंग एंड गुड आइलैंड देयर ऑल द एनिमल्स आर गुड ऑफ अंडर द ओवरसीज टू फिल्म ऑफ समबॉडी मिसिंग ए ग्रैंड फादर एंड देन दे नीड टू स्केप द आइलैंड एंड एक्सप्लोर देयर इज नथिंग टू स्क्राई इन द फिल्म एवरीथिंग इज प्रीति पन इवन वैन पीपल ऑफ डेंज द CGI वॉज प्रीति गुड आई फेल्ट बट देर वॉज ए फ्यू सीन्स ऑफ स्लो मोशन एंड ट्राई टू गुड सीम ए बुट ऑफ पुटिंग द गुड देर इज ए कपल सीली सीन्स दैट अपियर आउट ऑफ पैलेस इन द फिल्म दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन द 3D सच एंड द रॉक बाउंसिंग बैरियर ऑफ द गुड फाइनल वर्डक्ट एंड आई एम गोइंग टू पुट इन द आर्ग्यूमेंट एंड गुड कटलेस लाइक टू गुड कस्ट्यूम एंड ऑक्टोपस एंड स्क्वाड अक्यूट्रफिसल and highly intelligent and capable under that relative simplicity make them a good candidate for government evaluation and good and cue of the moons of good gas giants of the example while argument can be made for humans elephant octan and crew of the good and or changing terrorist and much higher gravity the earth to say is twins earth gravity may not supported much complex life of all who little image वर्क ऑफ द गुड पर्टिकुलर एलिमेंट द चैलेंजिंग ऑफ ग्रेवेशन ऑल टूगेदर ऑर्गेनिक लाइफ एंड गुड एग्जिट अक्रॉस ए मच लार्ज रेंज ऑफ ग्रेवेशनल स्टैंड फिल्म ऑफ द यूरोप ऑफ द गुड बट इमेजिंग एंड द एज फैन ऑफ एडवेंचरी फिल्म आई एडवर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई वॉज ए बिट स्क्रेड बट द सिक्वल कुल्ड क्रूस मी इट वॉज बैट बट जर्नी टू मदमाइस्ट्री आईलैंड टर्न आउट ऑफ द नियर परफेक्ट सिक्वल टू ईजी टू सी दैट एवरी वन कैन एन्जॉय एंड लव दिस क्रेक जैक फैमिली फ्रेंडली फैंटेस्टी एडवेंचरी बिकॉज इज कंसिडेशन एन्जॉयबल डू आउटलैंड की इमिनीगेशन वेयर इज द गुड ऑफ द
गुड परफॉर्मेंस, दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवरी सीन इन माई लाइफ, माई सिस्टर एंड आई वॉच इट एवरी चांस एंड गुड इफ आई कुड गुड गिव इन मोर स्टार आई वुड फ्रेकिंग आई लव दिस मूवी और नेक्स्ट टू गुड एवरीथिंग अमेजिंग ब्रेक टेकिंग सीन्स द ओनली थिंग शुड बी 5 hours आई लव एंड लव दिस मूवी नीड मोर जैक वाट ए मूवी आई कंसेप्ट इज फन एंड लीड यू ग्रोस प्लेसिंग द वंडरफुल एडवेंचर।